हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर हिस्ट्री क्लास। वी आर डूइंग 13th चैप्टर ऑफ 12th हिस्ट्री। द नेम ऑफ द चैप्टर इज महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री के ग्रेट लीडर गांधी जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनके द्वारा चलाए हुए मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी ने अपने ईयर्स के 2 decades को अब्रॉड में स्पेंड किया था। मेनली जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे थे। वहाँ पर वो एज अ लॉयर वर्क कर रहे थे, बट साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के ऊपर जो बुरा ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था उसके लिए वहाँ पर उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, दैट वॉज सत्याग्रह। और यहीं से गांधी जी फेमस हो गए थे। 1915 में वो इंडिया वापस आ गए और इस टाइम का जो इंडिया था उस टाइम के इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफर था जब वो इंडिया को छोड़कर चले गए थे अब्रॉड में, क्योंकि इस टाइम पर पॉलिटिकल जो है स्टेबल हो रही थी। इंडियन लीडर्स पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे ही एक इंडियन लीडर गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जिनको जो है गांधी जी ने अपना मेंटर बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को एडवाइस किया कि वो एटलीस्ट 1 year तक ब्रिटिश इंडिया में ट्रैवलिंग करें और जाने कि लोग किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। 1916 में BHU की ओपनिंग हुई। BHU की ओपनिंग में गांधी जी को भी इन्वाइट किया गया। हालांकि इंडिया में उन्हें अभी तक इतना कोई नहीं जानता था, लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडियंस के लिए जो वर्क किया था उसी के बेसिस पर उन्हें वहां पर इन्वाइट किया गया था। जब वो वहां पर इन्वाइट हुए तो उन्होंने देखा कि यहां पर वर्कर्स और पीजेंट्स की एब्सेंस है, सिर्फ जमींदार लैंडलॉर्ड और जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे उन्हीं को यहाँ पर इनवाइट किया गया था, क्योंकि उन्हीं के डोनेशन की वजह से इस यूनिवर्सिटी को खोला गया था। अब जब गांधी जी की स्पीच देने की टर्न आई तो उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि क्यों यहाँ पर वर्कर्स और पीजेंट्स की एब्सेंट है। उन्होंने आगे कहा कि हमें तब तक वर्दी फ्रीडम नहीं मिल सकती है जब तक कि ये वर्कर्स और पीजेंट्स इस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में एब्सेंट रहेंगे। उनका पार्टिसिपेट होना चाहिए, तभी जो है हमें रियल फ्रीडम मिल सकती है। ओके, उनके स्पीसेस से तो ये क्लियर हो गया था कि ये एक ऐसे लीडर हैं जो पीजेंट्स वर्कर्स और जो सोसाइटी का पुअर सेक्शन है उसके प्रति सिंपैथी रखते हैं और उनके लिए वर्क करना चाहते हैं। सो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब 1916 में उनके स्पीच के बाद लोगों को पता चल गया था कि ये पुअर सेक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग वहाँ पर, हमने अपने लास्ट पार्ट में ये भी डिस्कस किया था कि चंपारण के जो पीजेंट्स थे वो गांधी जी के पास आए और उसी को लेकर गांधी जी ने एक कैंपेन चलाया था चंपारण में। 1917 का जो मोस्टली गांधी जी का टाइम था वो उन्होंने चंपारण में ही स्पेंड किया। यहाँ पर उन्होंने जो पीजेंट्स की सिक्योरिटी थी और उनके कल्टिवेशन की जो चॉइस थी उसकी फ्रीडम के लिए वर्क किया, उसके लिए डिमांड की। नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर 1918 गांधी जी ने जो है अपने होम स्टेट गुजरात में स्पेंड किया। यहाँ पर उन्होंने 2 campaigns चलाए। पहला कैंपेन था टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनके वर्कर कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी थी। उनकी बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल थी उनकी बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए गांधी जी ने डिमांड की थी। सेकेंड जो था वो था कि बैड हार्वेस्ट की वजह से जो पीजेंट्स थे वो टैक्स को पे करने में अनेबल थे। सो गांधी जी ने ये डिमांड की थी कि टैक्सी को रिमिजन कर दिया जाए, टैक्सेस का रिमिजन कर दिया जाए, उनको ना लागू किया जाए किसानों के ऊपर। ओके, जो इनके ये इनिशिएटिव्स थे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में, इसकी वजह से लोगों को पता चल गया था कि ये एक ऐसे नेशनलिस्ट है जो पुअर्स के प्रति सिंपैथी रखते हैं। सेम टाइम पर उन्होंने बहुत सारे दूसरे लोकलाइज स्ट्रगल भी किए। ये जो स्ट्रगल्स थे ये भी लोकलाइज स्ट्रगल थे, दूसरे लोकलाइज स्ट्रगल भी किए, लेकिन 1919 में कॉलोनियल रूलर्स ने उनके लैप में एक बहुत बड़ा इशू डाल दिया था जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। वो इशू क्या था? जब 1914 और 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहा कि अगर हम इस वॉर में उनका साथ देते हैं तो वो हमें किसी बहुत सारी चीज़ों पर रिलेक्टेंट कर देंगे, मींस बहुत सारे रिवॉर्ड्स हमें दिए जाएंगे। ओके, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रिवॉर्ड्स की बजाय यहाँ पर एक लॉ चालू कर दिया गया और वो लॉ का नेम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग, ये एक ऐसा एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग अगर ब्रिटिशर्स को किसी भी इंडियन के ऊपर शक होता था तो वो उसको पकड़ कर जो है जेल में डाल देते थे। रिवॉर्ड्स की बजाय अब लोगों को क्या मिला था? रोलेट एक्ट मिला था, जिसकी वजह से लोग ब्रिटिशर्स के और भी ज़्यादा खिलाफ हो गए थे। सो
गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया और लोगों से अपील की कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, दुकानें बंद हो गई और इस मूवमेंट की वजह से जो लाइफ थी वो पूरी तरह से स्टैंड स्टिल हो गई, दुकानें बंद हो गई, स्कूल्स को बंद कर दिया गया और इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया बंद कोल। क्या कहा गया? बंद कोल कहा गया। मेनली बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुए वो पंजाब में हुए थे और जब पंजाब की साइड जो है गांधी जी जा रहे थे तो उस टाइम पर जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और भी बहुत सारे जो कांग्रेस मैन थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। सो धीरे धीरे जो है ये सिचुएशन आगे बढ़ती चली गई थी। इसके साथ एक और इशू हुआ 1919 में, जलियांवाला बाग जो कि पंजाब में अमृतसर में ही है वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, एक शांतिपूर्ण धरना वो कर रहे थे, मूवमेंट वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज़ ब्रिगेडियर ने एक ऑर्डर दिया अपने ट्रुप्स को कि यहाँ पर निहत्थे लोगों के ऊपर उन्होंने गोली चला दी और इस टाइम पर जो है 400 लोग जलियांवाला बाग में मारे गए थे। ओके, इट वाज रॉलट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर। और इस तरह से ये जो है रॉलट सत्याग्रह के नाम से ये मोमेंट चालू हुआ जिसको जो है गांधी जी ने एक ट्रूली नेशनल लीडर बनाया। उन्होंने इसमें सक्सेस भी गेन की और इसके साथ साथ उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट भी चलाया, एक और कैंपेन चलाई जिसको क्या कहा गया, नॉन कोऑपरेशन चलाया गया। इसके अकॉर्डिंग जो भी इंडियंस थे जो कॉलोनियल रूल को ख़त्म करना चाहते थे उन्हें कहा गया कि वो स्कूल्स कॉलेजेस और जो कोर्स थे उन्हें अटेंड करना बंद कर दें, टैक्स को पे ना करें और जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट की ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं सब के साथ नॉन कॉपरेट करें, मीन्स ब्रिटिशर्स के साथ किसी टाइप का कोई कॉपरेट ना करें। गांधी जी ने इसके लिए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जो है वन ईयर के स्पैन में ही स्वराज को पालेंगे। आगे गांधी जी ने स्ट्रगल में खिलाफत मूवमेंट के जो भी नेता थे, लीडर्स थे, उन्हें भी ऐड कर लिया था। खिलाफत मूवमेंट जो है टू मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। इसमें उन्होंने डिमांड की थी कि उनका जो एरिया है उन्हें को दिया जाए ताकि वो मुस्लिम जो धर्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके, मतलब ये अपने धर्म के लिए मूवमेंट कर रहे थे। सो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्हें भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन कर लिया गया गांधी जी के द्वारा और अब उन्हें पूरा यकीन था कि भाई हाँ अब मुस्लिम और हिंदू दोनों ही धर्म मिलकर इंडिया से ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी करते हुए गांधी जी को ये पूरी तरह से होप थी कि असहयोग आंदोलन में, इस नॉन कॉपरेट आंदोलन में खिलाफत के साथ मिलने की वजह से ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में मिलकर काम करेंगी तो ये बहुत जल्दी ही कॉलोनियल रूल का एंड भी कर लेंगी। दिस मूवमेंट सर्टेनली अनलिस्ट अ सर्ज ऑफ पॉपुलर एक्शन दैट वॉज ऑलटुगेदर अनप्रेसिडेंटेड इन कॉलोनियल इंडिया। और इन आंदोलनों में निश्चय ही बहुत ही पॉपुलर बहुत कार्यवाही की गई जिसकी वजह से जो कॉलोनियल इंडिया था उसका ख़त्म होना लगभग पूरी तरह से तय हो गया था। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया था, लॉयर्स ने कोर्ट को अटेंड करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया था, जो वर्किंग क्लास थी उन्होंने बहुत सारी स्ट्राइक्स भी की टाउन्स और सिटीज़ में। एक फिगर के एक ऑफिशियल फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1921 में 396 स्ट्राइक्स हुई। हाउ मैनी? 396 एक ईयर में, यानी कि पूरे साल में 365 डेज होते हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई थी पूरे साल में और इसके अंदर 6 लाख वर्कर्स जो हैं इन्वॉल्व थे। अगर इनको काउंट किया जाए तो इस टाइम पर 1921 में 7 मिलियन वर्किंग डेज का लॉस हुआ था। हाउ मैनी? 7 मिलियन वर्किंग डेज का लॉस हुआ था इन स्ट्राइक्स की वजह से, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स इन्वॉल्व थे ना। अगर एक वर्कर का एक दिन माना जाए तो 6 लाख वर्कर्स के 6 लाख वर्कर्स डेज तो वही हो गए, दूसरे भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो टोटल मिलाकर 1921 में 7 मिलियन वर्किंग डेज का लॉस हुआ था। ओके, जो हिल्स ट्राइब्स थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा वो उन्होंने उसका वॉयलेंट करना शुरू कर दिया था। अवध में जो फार्मर्स थे उन्होंने पे नहीं किया था। कुमाऊं के जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी कॉलोनियल ऑफिसर्स के लिए जो वो कैरी लॉर्ड्स को कैरी करते थे ये सब करने से मना कर दिया था। मीन्स हर जगह पर क्या कहा जा रहा था कि हमें
कॉलोनियल्स के साथ मीन्स ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट करना है. क्या करना है? नॉन कोऑपरेट करना है मीन्स उनका किसी भी चीज़ में कोई साथ नहीं देना है. नॉन कोऑपरेशन को लेकर उनके जो एक अमेरिकन बायोग्राफर थे मीन्स अमेरिका के एक लेखक जिनका नेम था लुई फिशर, वो उन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी लिखी थी. तो लुई फिशर जो उनके एक अमेरिकन बायोग्राफर थे उन्होंने कहा कि इस वजह से ही गांधी जी का नाम पूरी तरह से फैल गया था, युग में फैल गया था. मीन्स गांधी जी को हर कोई जानने लगा था. नो डाउट जो नॉन कोऑपरेशन था वो नेगेटिव था, लेकिन इसके जो इफेक्ट हुए वो पूरी तरह से पॉजिटिव हुए थे. उसके इफेक्ट पूरी तरह से क्या हुए थे? पॉजिटिव हुए थे. मीन्स यहाँ पर लोगों को सेल्फ रूल के लिए ट्रेन किया जा रहा था कि हमें अपना रूल करना है, ब्रिटिशर्स के रूल को हमें नहीं सहना है, अपना रूल हमें करना है. नॉन कोऑपरेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसकी वजह से फर्स्ट टाइम 1857 के रिवोल्ट के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में रीड आउट किया था कि उस टाइम पर भी ब्रिटिश जो रूल था वो पूरी तरह से हिल गया था. सो 1857 के रिवोल्ट के बाद ये पहला टाइम था जब ब्रिटिश रूल पूरी तरह से शेकन हो गया था, ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन पूरी तरह से शेकन हो गई थी. मीन्स कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि हाँ ये मूवमेंट पूरी तरह से सक्सेस हो रहा है. बट फरवरी 1922 में जो चोरी चोरा के पीजेंट्स थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया, वहाँ पर आग लगा दी और उस आग की वजह से बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स जो हैं उस आग में जलकर मर गए थे. और इस वॉयलेंस की वजह से गांधी जी ने इस मोमेंट को वापस ले लिया था. उन्होंने कहा कि नो प्रोवोकेशंस ही इंस्टेड, उन्होंने कहा कि किसी तरह के प्रोवोकेशंस नहीं होंगे, किसी तरह के ब्रूटल मर्डर यहाँ पर नहीं होगा. मीन्स हमें जो है ये मोमेंट पूरी तरह से नॉन वॉयलेंस तरीके से चलाना था. हमें मॉब के प्रति, लोगों के प्रति, जो भीड़ है उसके प्रति मर्सी रखनी है. अगर इस तरह की कोई भी घटना होगी तो ये मोमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा. और इसीलिए गांधी जी ने फरवरी 1922 में इस मोमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया था. ओके, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था. तो थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया था. मार्च 1922 में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, उनके ऊपर चार्ज लगाए गए, मुकदमा चलाया गया और उनका जो जस्टिस थे मीन्स उस टाइम पर कोर्ट में जो भी जो जस्टिस थे वो थे सी एन ब्रूमफील्ड ने उनके जस्टिस की थी, उनकी ट्रायल्स की थी, मतलब उनके मुकदमे को सुना था. उन्होंने जब गांधी जी को सजा दी तो उन्होंने सजा देते हुए कहा कि हालांकि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी. उन्हें 6 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दी गई थी. आगे उन्होंने कहा कि जैसा आप जैसे हैं, आप जैसा पर्सन मैंने आज तक कभी नहीं देखा. मैंने बहुत सारे ट्रायल्स देखे हैं, बहुत सारे मुकदमे देखे हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा. आप जो है मिलियंस ऑफ कंट्री मैन की आइज में उनके लिए बहुत ही एक पेट्रियट और लीडर, एक ग्रेट पेट्रियट और लीडर हैं. एक ऐसे पॉलिटिक्स जो आपके खिलाफ हैं वो भी आपके जो हाई आइडियल्स हैं और जो सेंटी लाइफ्स हैं उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं. और आगे उन्होंने कहा कि हालांकि आपने पार्टिसिपेट किया है तो मुझे सजा देनी होगी, लेकिन अगर किसी भी तरीके से ये पॉसिबल हो पाया कि गवर्नमेंट जो है आपके इस पीरियड को रिड्यूस करती है तो आपको रिलीज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी. मतलब इससे ज़्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं, इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी चीज़ में नहीं होगी कि अगर आपको गवर्नमेंट रिलीज़ कर देगी तो. ओके, अब पीपल्स लीडर, गांधी जी एक पीपल लीडर थे, जन नेता थे, मीन्स लोगों के ही नेता थे. 1922 तक गांधी जी ने भारतीय जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया था. फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BHU में जो उन्होंने अपने भाषण में जो भी प्रोमिसेस की थी उन प्रोमिसेस को उन्होंने पूरा किया. जो एंटरप्रेन्योर्स और जो बुद्धिजीवी, अब इस सिर्फ बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी और एंटरप्रेन्योर्स ही जो है इस मूवमेंट का पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था, बहुत सारे पीजेंट्स, वर्कर्स और क्राफ्ट पर्संस, आर्टिसंस भी ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, गांधी जी को बहुत अच्छे से रिगार्ड करते थे और रिगार्ड्स में वो क्या कहते थे, उन्हें महात्मा भी कहते थे. ओके, और यहीं से उनको महात्मा कहा जाने लगा.
गांधी जी जिस तरह से लोगों से बातें करते थे, जिस तरह के वो कपड़े पहनते थे, जिस तरह से लोगों के बीच में रहते थे, जिस तरह की वो लैंग्वेज बोलते थे, इसकी वजह से वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसके कंपैरेटिवली अगर दूसरे लीडर्स को हम देखें तो दूसरे लीडर्स क्या करते थे, वो लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रखते थे, लोगों से दूर ही रहते थे, बट गांधी जी लोगों के बीच में रहते थे। मेनली उनकी जो ड्रेस थी वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती थी, क्योंकि जो दूसरे लीडर्स होते थे वो जो वेस्टर्न कपड़े होते थे या इंडिया में ही जो बंद गला जो है एक इंडियन ड्रेस हुआ करती थी वो पहनते थे। इसके कंपैरेटिवली गांधी जी धोती पहनते थे, अपने बहुत ही सिंपल वे में रहते थे। जब भी उन्हें फ्री टाइम लगता था तो वो क्या करते थे, स्पन करते थे, स्पिनिंग व्हील्स के साथ स्पन करते थे, चरखा चलाते थे, और दूसरे नेशनलिस्ट को भी इसके लिए इंकरेज करते थे कि हमें जो है अपने खाली टाइम पीरियड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके टाइम पर हमें जो है चरखा चलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो मेंटल लेवल है वो भी बढ़ेगा और हमें जो है शारीरिक मतलब फिजिकल वर्क करने की भी हैबिट बनी रहेगी। ओके, एक हिस्टोरियन शाहिद अमीन ने गांधी जी के बारे में क्या लिखा कि गांधी जी ने मतलब गांधी जी के जो भी सभाएं हो रही थी, जहां पर भी वो लोगों को भाषण दे रहे थे, स्पीसेस दे रहे थे, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। 1921 में जब उन्होंने बहुत सारे अहमदाबाद और दूसरे प्लेसेस पर गांधी जी ने स्पीसेस दिए, तो इस चीज़ को उन्होंने नोट किया और अपने एक न्यूज़पेपर में गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि भटनी में गांधी जी ने जब लोगों को स्पीसेस दी तो इस टाइम पर गोरखपुर के लिए, फिर उसके बाद वो जो है गोरखपुर के लिए चले गए थे और नुनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चोरी चोरा और कुसुमी के स्टेशनों पर 15,000 से 20,000 लोग आए हुए थे उन्हें सुनने के लिए। गांधी जी कुसुमी का जो व्यू था उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि कुसुमई का जो स्टेशन था वो फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच था, लेकिन फॉरेस्ट के बीचों बीच होने के बावजूद भी वहाँ पर 10,000 से कम लोग इकट्ठा नहीं थे। लोग उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना रखते थे, उन्हें डोनेशंस देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने डोनेशंस देने से मना कर दिया था। बट चोरा चोरी में एक जेंटलमैन, मारवाड़ी जेंटलमैन ने उन्हें इस चीज़ के लिए मना लिया और फिर वहाँ पर एक शीट को ग्राउंड के बीच में शीट को स्प्रेड कर दिया गया। शीट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे वहाँ पर रखे और धीरे धीरे वहाँ पर पैसों का एक हीप सा लग गया था। ओके, गांधी जी के अंदर मिस्टीरियस पावर्स हैं, इसके लिए भी बहुत सारी रूमर्स फैली हुई थी। हमने देखा था कि जो अपने पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रूमर्स के ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास करते थे। सो गांधी जी को लेकर भी बहुत सारी रूमर्स फैली हुई थी। गांधी जी के बारे में ये माना गया था कि वो किंग के साइड से ही आए हैं, किसानों की जो तकलीफें हैं उनके सेवियर हैं वो, मतलब उनसे उन्हें आज़ाद कर देंगे, उनके पास ऑफिशियल जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनके ऑर्डर्स को नकारने की पूरी पावर्स हैं। और कुछ जगह पर तो ये भी कहा गया था कि जो लोग गांधी जी का विरोध करते हैं उनके बहुत सारे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ऐसी अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी। लोग गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा इन अलग अलग नामों से पुकारते थे, और ये जो है पीजेंट्स, लोग ये जानते थे कि भाई पीजेंट्स के लिए अगर कोई कुछ काम कर सकता है तो वो गांधी जी ही कर सकते हैं। ठीक है, गरीबों के बीच विशेषकर गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। उन्होंने गरीबों द्वारा जो मीन्स पुअर सेक्शन जिस तरह की लाइफ जीते थे वैसे ही लाइफ उन्होंने भी जीना शुरू कर दिया था। हालांकि गांधी जी जो पेशे से एक वकील थे और उनकी जो कास्ट थी वो एक मर्चेंट थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, अपने हाथ से काम करते थे, चरखा चलाते थे और गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपथी रखते थे। बदले में जो गरीब लोग थे वो भी गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपथी रखते थे। ओके, अगर वहीं पर देखा जाए तो दूसरे जो पॉलिटिशियंस थे वो गरीबों को क्या एक पुअर दृष्टि से देखते थे, पुअर मतलब साइड से देखते थे, लेकिन गांधी जी उन्हें अच्छी तरह से समझते थे और उनके साथ जुड़ते रहते थे। गांधी जी का जो जन अनुरोध था वो निसंदेह जो है बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत जेन्युइन था, बहुत सिंपल वे से वो रहते थे, लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। और इस
और उन्होंने पॉलिटिशियंस को और व्यापक बनाने के लिए जो काम किया वो थी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी केयरफुली उन्होंने बाउंड किया था, मीन्स पूरी तरह से उन्होंने जो नेशनलिज्म था उस ऑर्गेनाइजेशन को केयरफुली उन्होंने बाउंड किया था, जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन उनकी फैलती चली गई थी। कांग्रेस की नई नई ब्रांचेस को सेटअप किया जा रहा था इंडिया में, जो प्रजा मंडल थी मतलब जहाँ पर लोगों की वेलफेयर का काम किया जाता था, वो नई नई प्रजा मंडल जो है एस्टेब्लिश की जा रही थी। गांधी जी जो है नई नई कम्युनिटीज़ को, दूसरी कम्युनिटीज़ को एंकरेज कर रहे थे और उन्हें मैसेज दे रहे थे कि हमें जो है लोगों को, लोगों के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, मीन्स जब भी हम स्पीच देते हैं तो वो हमें मदर टंग में देनी चाहिए, इंग्लिश में हमें अपनी स्पीच नहीं देना चाहिए। सो जगह जगह पर मदर टंग में ही स्पीच दी जाती थी और लोग जो है कांग्रेस के साथ अब ज़्यादा जुड़ना वो शुरू हो गए थे। इन दीज डिफरेंट वेज नेशनलिज्म वॉज टेकन द फार्दस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड एम्प्रेस्ड बाय द सोशल ग्रुप्स प्रीवियसली अनटस्ट बाय। अब जो है नेशनलिज्म जो है कंट्री के हर एरिया में फैलना शुरू हो गया था और उन लोगों तक भी पहुंच गया था जो इससे अभी तक अनटस्ट थे, जो अभी तक अछूते थे, मीन्स जब अभी तक जिन लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। बाय नाउ अमंग द स्पॉन्सर्स ऑफ कांग्रेस वर सम वेरी प्रॉस्पेरियस बिजनेसमैन। अब जो है कांग्रेस के जो स्पॉटर्स थे बहुत सारे प्रॉस्पेरियस जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योर्स थे वो भी वहाँ पर आना शुरू कर गए थे। कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर जैसे कि जीडी बिरला, इन्होंने ओपनली कांग्रेस को सपोर्ट किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने टेक्टली मीन्स छुपकर जो है कांग्रेस को वो पार्टिसिपेट करते थे। गांधी जी के एडमायरर्स जो थे वो पुअर पीजेंट्स थे और रिच इंडस्ट्रियल अब दोनों ही हो गए थे। हालांकि गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया था कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नेशनलिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ज़्यादा वर्क उनके फॉलोवर्स ने ही किया, क्योंकि जैसे जैसे उनके फॉलोवर्स बढ़ते चले गए वैसे वैसे कांग्रेस जो है फैलती चली गई थी। 1917 और 1921-2 के बीच जो है बहुत सारे टैलेंटेड इंडियंस जो हैं गांधी जी के साथ मिल गए थे। उनमें से जो इंडियंस थे उनमें इंक्लूड थे महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे बी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचार्य। ये जो है सभी गांधी जी के साथ मिले हुए थे और गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया और इंडिया में जो पुअर सेक्शन है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क किया था। अब 1924 में गांधी जी जेल से रिलीज हो गए थे। जेल से रिलीज होने के बाद उन्होंने किस चीज़ को, होमस्पन क्लोथ को प्रमोट किया, मीन्स घर पर बना हुआ जो कपड़ा था खादी को प्रमोट किया और जो अनटचेबिलिटी थी उसको एबोलिश करने का प्रमोट किया कि हमें अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उसको एबोलिश करना है। गांधी जी वॉज मस्ट सोशल रिफॉर्मर एज ही वॉज अ पॉलिटिशियन। जैसे गांधी जी एक पॉलिटिशियन थे, नेता के साथ साथ वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। वो ये बिलीव करते थे कि हमें जब तक वर्दी फ्रीडम नहीं मिल सकती है, जब तक समाज से ये बुराइयाँ जो ये सोशल इविल्स हैं इनसे हमारा समाज फ्री नहीं हो जाएगा, तब तक हमें जो है वर्दी फ्रीडम नहीं मिल सकती है। समाज में फैली हुई कुछ इविल्स जैसे कि चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी है, इन्हें पूरी तरह से दूर करना होगा तभी जो है हमें वर्दी फ्रीडम मिल सकती है। इंडियंस ऑफ वन फेथ हैड ऑल्सो टू कल्टिवेट अ जेन्युइन टॉलरेंस फॉर इंडियंस ऑफ अनदर। उन्होंने एक दूसरे के साथ, उन्होंने ये भी कोशिश किया कि हम एक दूसरे के साथ जो है जेन्युइन टॉलरेंस रखें, मीन्स एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखें। उन्होंने आगे ये भी प्रमोट किया कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। मीनवाइल ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इंडियंस हैड टू लर्न टू बिकम सेल्फ रिलायंट। उन्होंने आगे ये भी प्रमोट किया कि इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडियंस को जो है सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मतलब उन्हें आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से स्वावलंबी हो जाना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ उन्होंने जो समुद्र पार से सी से के उस साइड से जो कपड़े आ रहे थे उसका विरोध किया, उसको कॉपरेट नहीं किया। इसके रादर उन्होंने खादी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि हमें खादी पहनना चाहिए, हमें घर पर ही अपने कपड़े बनाने चाहिए, हैंडस्पन करना चाहिए और खादी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। सो इस तरह से नॉन कॉपरेट मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स की जो फाउंडेशंस थी वो पूरी तरह से शेकन होना शुरू हो गई थी। लेकिन अगर 1922 की जो चोरी चोरा की घटना थी वो ना होती तो शायद कहीं ना कहीं हमें स्वराज जो है उस टाइम पर भी मिल जाता। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप यू गॉट ऑल द
other things related to non-corporate movement, tell me in comment section. Like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye-bye. Keep learning.